आपको चलेगा, सब मुझसे चलेगा, इसलिए मैं बताऊंगा आप डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ मूव करता है, ठीक है, कि उसकी डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, हम इसका बताते हैं रूल क्या होता है। जब आप सर्कल पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो, कि सर्कल भाई ऐसा होता है, दिखता होगा आपको ऐसा सर्कल ऐसा दिखा दिया, इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब क्या है, रेडियस क्या है, ये पॉइंट ओ दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पॉइंट डी दे रखा है, इधर क्लियर, बताइए क्या ओ ए ओ बी बराबर है? यस सर, इसको क्या बोलते हैं, ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ, रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है, और ओ को क्या बोलते हैं, व्हाट इज ओ हियर, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर। तो हम इसमें क्या सीखेंगे लिखने के लिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ मूव करता है, सपोज वो ए पे था, ए से कहां गया, वो गया बी के पास, बी से कहां गया, वो गया सी के पास, सी से कहां गया डी के पास, डी से कहां गया ए के पास, चला गया इस तरीके से, वो ऐसे मूव करता रहता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती, मतलब वो जब वो ए पर है या बी पर है या सी पर है या डी पर है, डिस्टेंस क्या है, ओ ए, ओ बी, ओ सी या ओ डी बराबर है, बराबर होती है। तो अगर ऐसा होता है तो दिस पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, या सर्कल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सर्कुलर पाथ, या सर्कल बोल देते हैं, इज इट क्लियर, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ पाथ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, देन इट्स पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर, सर्कल बोल सकते हैं, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब क्वेश्चन में आ गया, यस सर, यस सर। क्या अगर मैं ये दिखा दूं, भाई ये मैंने ऐसे बना रखा है, जब दिखेगा ऐसा बना हुआ, या तो थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, अगर देखिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, क्या जब मैं यहां से यहां पे जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा, ये जाऊंगा या फिर यहां जाऊंगा, ये पार्ट ओ दे रखा है, इसका नाम ए है, बी है, सी है, डी, क्या यहाँ पे ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी बराबर आएंगे, क्या आएंगे, सेम आएंगे कि डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट, डिफरेंट, इसका मतलब यही होगा कि दिस पाथ इज नॉट सर्कुलर मोशन, या आपका पाथ जो दिख रहा है आपको, ये पाथ आपको सर्कुलर मोशन में नहीं आता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की शर्त होती है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा किसी भी तरीके से, ठीक, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसकी डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है, एंड इन दिस होल जर्नी दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट is called radius, which remains same always. Is it clear to all of you? सबको समझ आ गया? बताइए सबको समझ आ गया? Yes. अब इसमें आगे आप तो कहोगे यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हम जानते थे पहले, इसमें कौन सा नया बता रहे हैं, तो नई बात अभी इसमें आगे शुरू होगी, ठीक है, अभी हमको सब शुरू करना होता है इंट्रोडक्शन, तो पहले वो पॉइंट पढ़ाएंगे जो आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होता है, फिर हम उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जो आपने नहीं भाई पढ़ा होता है, जो आप नहीं सुना होता उसमें, तो धीमे धीमे करके चैप्टर आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और अपने नए नए स्टेप्स पे आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो जो हमको इसमें नए नए मेंबर मिलेंगे वो सब आपको एक करके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक आपको याद होगा चैप्टर का नाम था वेक्टर, और उसमें मैंने पढ़ाए थे आपको कि एक्सियल वेक्टर होते हैं, याद है आपको कुछ, बताइए, बोलिए, इसे याद है, एक्सियल वेक्टर मैंने पढ़ाए थे, एक मैंने पढ़ाए थे आपको पोलर वेक्टर, एक पढ़ाए थे मैंने आपको एक्सेल वेक्टर पढ़ाए थे, ये किसी को याद है, बोलो, यस सर, एक्सेल वेक्टर कुछ याद है किसी को, क्या बताया थे मैंने, कैसे पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, या उसे कितने मैंने उदाहरण दिए थे आपको, एग्जांपल दिए थे कि हाँ भाई ये इसके एग्जांपल्स वगैरह है, क्या
क्या क्या एग्जाम्पल थे एक्सेल वेक्टर्स? बोलिए, किसी को बहुत याद है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, उसमें जब मैंने पढ़ाया था कुछ चैप्टर पढ़ाया था वेक्टर, तो मैंने कहा था भाई वेक्टर के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर, एक आपका होता है एक्सेल वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसके फोर्स डिसाइड होते हैं, मुझे पता होता है कि ये ए से आने वाला है, बी पे जाने वाला है। और जो आपके होते हैं एक्सेल वेक्टर, उनके फोर्स डिसाइड नहीं होते, बस ये पता होता है कि ये आगे से आने वाला है और पीछे आने वाला, ये ऊपर से आने वाला है नीचे आने वाला, ये लेफ्ट से आएगा ये राइट को चला जाएगा, ये आपको सब पता रहता है। लेकिन वो स्टार्ट कहां से हुआ है ये पता नहीं होता, वो खत्म कहां पे होगा ये भी हमको पता बिल्कुल नहीं होता। और उसके तीन एग्जांपल होते हैं, एक का नाम होता है 10 डायरेक्शंस, एक का नाम होता है 3 एक्सिस, और तीसरा जो था उसका नाम था 5 एंगुलर पैरामीटर्स। अगर किसी को याद हो उस एग्जांपल मैंने क्या क्या बताए थे एंगुलर पैरामीटर के, क्या क्या नाम बताए थे तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो वो था, एक था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक था एंगुलर वेलोसिटी, एक था एंगुलर एक्सेलरेशन, तीन एग्जांपल हो गए ठीक है। एक था आपका एंगुलर फोर्स, इसको हम बोलते थे टॉर्क या बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, और पांचवा था आपका एंगुलर मोमेंटम, या के पांच एग्जांपल में रहते हैं। तो इन पांच में से शुरू के जो तीन होते हैं, जो शुरू के तीन होते हैं वो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में आपको तीन नाम सुनाई पड़ेगा, इसमें से नाम पहला नाम क्या होगा इसका, पहला नाम आपको मैं बताऊंगा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूसरा क्या बताऊंगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और तीसरा क्या बताऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। क्लियर? देखिए इसमें और लीनियर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन लिखा है चैप्टर का नाम, ठीक है, सर्कुलर में क्या कि हम एक सर्कल में घूमते रहे। तो आप बोलोगे यार जब घूमते घूमते जहां से घूमे वही वापस पहुंच गए तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, वो बात सही है, लेकिन हमको यहाँ पे लीनियर नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना होता है एंगुलर। हम यहाँ ये पढ़ने वाले होते हैं कि हम कितना एंगल घूमे, हम कितना एंगल घूमे, ये ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे क्या आपके पढ़ा जाए इसमें, हम ऐसे यहाँ से लिखा देते हैं, जब मैं यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया तो बताइए कितना राउंड हो गया, तो बोलेंगे एक राउंड पूरा हो गया, हमने एक राउंड में क्या घूम लिया 2π, मैंने कहा एक राउंड मेरा और हो गया, अब हो गया 2 राउंड हो गया तो हो गया 4π, हो गया 3 राउंड हो गया, अब हो गया आपका 6π, अब कितना हो गया 8π हो गया इसमें। तो आप घूम रहे हैं सर्कल में, घूम रहे हैं, वो कह रहा है कि आप सर्कल में ही हैं, ठीक है सर्कल में आप हैं, यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पे थे और यहाँ से घूमते घूमते क्या हो, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए फिर यहाँ पे आ गए, मतलब ए पे कहाँ गए बी पे, फिर कहाँ चले गए सी पे चले गए, अब फिर ए से वापस यहाँ पे आए पहुंचे पे, फिर क्या घूमा, फिर आपने चक्कर एक और लगा लिया, आपके दो चक्कर हो गए ना, आपका हो गया 2π + 2π मतलब 4π हो गया। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आप कितना एंगल चले हैं घूमे, दैट इज कॉल्ड 4π, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल गिने जाएंगे, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम नहीं अभी फिलहाल में देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे आप कितना एंगल टर्न कर, ठीक, जितना एंगल आप टर्न करेंगे उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, देखते आइए। तो मैं लिख रहा हूँ, आप फॉलो लिखते हैं अपनी कॉपी में, इसके बारे में बहुत सी नई नई बातें आएंगी, ठीक है लिखिए। When an object moves, such that always remains same, always remains same, then
motion of the object. It's called circular motion. It's called circular motion. इसमें सिखते हैं इसमें. हमने इसको ऐसे दिखा दिया बनाकर. इसमें आता है ये भाई सेंटर पे रखा है इसमें इसको ने इससे मिला दिया हम यहाँ से थे यहाँ से देख गए यहाँ पर आप ए से कहाँ गए बी के पास बी से कहाँ गए सी के पास पॉइंट ओ पे आप ठीक तो यू कैन सी हियर इट्स पॉइंट It's called center of the circle. Okay. Center of the circle and it's distance and the object is called distance from the object is called radius ठीक है OA, OB, OA, OB, 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 Yes, sir. अब इसके आगे शुरू करता हूँ मैं इसके आगे की कहानी या इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं तो अब इसमें जो आपका अगला नंबर आएगा पढ़ाने के लिए वो आएगा ये कि सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं ठीक है तो यू कैन से कि सर्कुलर मोशन आपके दो टाइप के होते हैं कैसे कितने होते हैं दो टाइप के ठीक दो टाइप के कौन कौन से होते हैं तो एक का नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूसीएम क्या बोलते हैं यूसीएम यूसीएम का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है NUCM उसका नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो UCM और NUCM आपके दो आते हैं इसमें दोनों को पढ़ेंगे इसको हम आगे ले सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इसको बोलते शॉर्ट एंड बोलते सीएम बोलते क्या बोलते हैं सीएम ठीक बोलते यूसीएम यूनिफॉर्म सेकंड नंबर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है इट इज कॉल्ड एनयूस ठीक है ओके इतना लिखना
अब आता है ये होता क्या क्या है, यूसी मैनिज्म क्या क्या, ठीक है इतना लेंगे पहले। फिर बात चालू होगा आगे पॉइंट भाई, यूसीएम क्या होता है और एनयूसीएम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा होता है इसमें फर्स्ट नंबर, अब बोलते यूसीएम। देखिए यूसीएम क्या होता है, इसमें यूसीएम का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब होता है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट की सर्कल में घूम रहा होता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है देयर इज ऑलवेज फ्रॉम टेंजेंट अलोंग टेंजेंट, जो कि इसमें दिख रहा होता है, ठीक है। अब आती बात ये कि उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, मतलब कि उसका क्या है रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो अगर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, कभी चेंज होता ही नहीं, ठीक है, हमेशा फिक्स रहता है, अब बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग जब यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको मैं इसको ड्राइंग बना दूंगा, इसे यहाँ दिखा दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया, बोला गया कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, यहाँ दिखा दिया। आपकी जो स्पीड यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, ये पॉइंट ओ दे रखा है आपको, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी दे रखा है, यहाँ क्या होगा, हम कहेंगे फिर से इसी में, यहाँ यहाँ स्पीड क्या है दस है, यहाँ क्या है बीस है, साफ साफ इस तरीके से कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका सब में सेम रहता है, दिखता है सेम टू सेम, जो जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, वही यहाँ लिखा हो, उसको बोलेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी जो वैल्यू याद रखी ए की वो 10 मीटर पर सेकंड, बी भी रखी 20 हो गया है, सी भी क्या हुआ 30 हो गया है, 10 ये 20 ये 30 आपका ये हो गया, इस तरीके से हो गया, तो बढ़ गया या कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कम नहीं हो सकता है, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है, मतलब कि चेंज हो रहा है या फिर वेरिएबल है, इस तरीके से आपका आएगा। तो अगर ये चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होगा, तो बोलेंगे इट इज कॉल्ड एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया, बताइए। मैं फिर से बता देता हूँ कि किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूसीएम। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है, वो बार बार चेंज होता रहता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया या भी जो भी हो रहा होगा, दैट इज नॉट फिक्स वैल्यू, तो उसको बोलेंगे एनयूसीएम। यहाँ देखिए 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, मैंने दिखाया इस तरीके से, ये कम भी हो सकता है कि 10 से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया, आप ऐसे ही बोल सकते हैं इस तरीके से। अगर ऐसा हो जाएगा तो भी आप बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर फिक्स नहीं, फिक्स है तो यूसीएम, अगर फिक्स नहीं है चेंज हो रहा है तो बोलेंगे लिखते हैं क्या, हमें पढ़ना है मेन एंड यूसीएम पढ़ना हो। देखिए अगर वेलोसिटी आप बोलेंगे तो वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, एक आता है उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड और दूसरी आती है उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन तो देखिए चेंज होती रहती है, क्योंकि आप जब सर्कल मूव करेंगे अब बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार आप घूम रहे हैं इस तरीके से, घूमते चले चले आ रहे हैं इस तरीके से होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही हो, तो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वैल्यूम क्या चेंज हो रहा है तो हमको नहीं पता होगा। तो अगर ये कहा जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं रहती, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन आ गया इसमें, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ये हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विथ सेम स्पीड, अगर ऐसा है तो यूसीएम, अगर विथ वेरिएबल स्पीड तो वो एनयूस, ऐसे लिख सकते, ठीक है, ध्यान से मैं भी लिखता हूँ आप भी लिखते हैं यूसीएम।
क्या लिखा जाए इफ कैसे बोल सकते यू कैन से यार वी वन मैग्नेटिक वी टू वी इसका मतलब सेम है आपका आता है एन यूज ये क्या इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी also different any subject dikhayenge isme okay ab dekhiye यहाँ से आगे अपने यहाँ पे स्पीड क्या है वी वन वी टू यहाँ स्पीड क्या है वी थ्री तो ये स्पीड आपकी वी थ्री पॉइंट थ्री ये स्पीड वी टू है वी वन पॉइंट वन ये उधर यहाँ पे आप कहेंगे इसमें देखिए डिफरेंट आ रहा है वी वन मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू वी टू मैग्नीट्यूड
not equal to V3 magnitude. बराबर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ठीक है एंड वी विल नॉट इक्वल टू वी थ्री ठीक है तो लिखो because of different directions ठीक है तो NUCM के केस में जब बोलते हैं NUCM बोलते हैं तो इन केस ऑफ NUCM आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई सेम नहीं होता ठीक है जब बोलते हैं UCM बोल देते हैं तो UCM जो आपको पढ़ना है मेन आपका यही जो है इस चैप्टर का पार्ट UCM पढ़ना ये भी पढ़ाया जाएगा पर ये आपको पढ़ाएंगे सब कुछ होने के बाद में सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे इसका ठीक क्या और उसमें आता है ये यहाँ जहाँ पढ़ेंगे यूसीएम पढ़ेंगे तो इस केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वैल्यू सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन की चेंज होती रहेगी डायरेक्शन तो सब में चेंज होती रहेगी अब आता है कि इसमें इसमें क्या वैल्यू भी डिफरेंट हो रही है और डायरेक्शन में क्या हो गया डिफरेंट आ रही है ठीक है ऐसे लिखते हैं अब आता है इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके जो एग्जाम्पल होते हैं जो यूसीएम के एग्जाम्पल है वो आप बोलेंगे एचसीएम अब ये क्या होता है तो ऐसे को मतलब क्या होता है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कोई भी चीज हम एक मूव कर रही हो किसी प्लेन में ऐसे घूम रही हो हॉरिजेंटल मूव कर रही हो अब कहीं हाँ ये ऐसे घूम रहा है हॉरिजेंटल घूम रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूसीएम ठीक है अगर वो घूमेगा ऐसे वर्टिकल घूमेगा अब कहेंगे भाई ये तो यहां से देखे यहां से ये ऊपर गया ऊपर से क्या हुआ फिर नीचे आ गए इस तरीके से आप ऐसे आ गए अगर वो ऐसे घूमेगा कि हाँ यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया फिर ऐसे ऐसे इसमें हो रहा है तो ये तो वर्टिकल हो गया ना तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बोलेंगे VCM क्या बोलेंगे VCM एक तिरछा भी होगा इंक्लाइन होगा अब बोलेंगे ये तो ऐसे घूम गया ऐसे घूमता गया ऐसे घूमता गया आपने देखे होंगे सर्कस वगैरह मेले देखे होंगे तो झूले लगे होते बहुत सारे लगे होते हैं तो कुछ झूले क्या होते हैं भाई ऐसे घूम रहे होते हैं कुछ ऐसे घूम रहे होते हैं कुछ ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे भी घूम रहे होते हैं ऐसे बहुत सारे झूले आपको दिखते होंगे वहां पे तो आपके तीन उसमें पढ़ाए जाते हैं सर्कुलर मोशन एक होता है HCM एक होता है VCM एक होता है ICM आई का मतलब मीनिंग होता है इंक्लाइन इंक्लाइन सर्कुलर मोशन ये इसमें पढ़ाया जाता है तो UCM का जो एग्जांपल होता है वो होता है HCM क्या होता है HCM हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर कुछ ऐसे घूम रही है तो वो UCM हो सकता है NUCM का एग्जाम्पल क्या होता है इसका एग्जाम्पल होता है HCM VCM ICM तीनों आप कहेंगे HCM पे वाले यहाँ पढ़ाया था भाई यहाँ पढ़ाया था तो यहाँ पे हो सकता है कि वो बराबर से घूम रहा हो सकता है बराबर से ना घूम रहा ये भी तो सकता है तो HCM दोनों में आता है इसमें भी आता है इसमें भी आता तो हम जब बोलते हैं इस एग्जाम्पल बोल देते हैं यहाँ UCM का एग्जाम्पल क्या क्या होता है उसमें आता है HCM आता है और NUCM के एग्जाम्पल में HCM और सब आता है एग्जाम्पल आओ HCM UCM आप क्या बोलेंगे HCM एग्जाम्पल आओ ठीक है देखिए हमको आईसीएम नहीं पढ़ना है ना पढ़ाना है ना एग्जाम में कभी आने वाला एग्जाम में ये आएगा एग्जाम में ये आएगा एग्जाम में ये ठीक है आप एग्जाम में HCM आएगा और VCM आएगा ठीक है VCM मीन्स क्या होगा हम इसको देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट भाई नीचे से ऊपर गया घूमता हुआ फिर ऊपर से क्या हुआ फिर नीचे आ गया घूमता हुआ ऐसे अगर इस तरीके से घूम रहा है कि नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आ गया इट इज कॉल्ड VCM ठीक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जाहिर सी बात है जब वो नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा जब वो ऊपर मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो रहा होगा कम हो रहा होगा लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वही बढ़ भी रहा होगा जाहिर सी बात
उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो नीचे से ऊपर जाते समय डिक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है, और जब आप जब वही ऊपर से नीचे आ रहा है तो वही इंक्रीज कर रहा है, तो होता ही है ऐसी बात। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एनर्जिया, ठीक है। इसमें आपको समझ आगे इतना, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। सबको याद समझ आगे, पूरा बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आगे बच्चा, बताओ। यस सर, यस सर, यस। ओके, अब इसके आगे जो ध्यान से, अब देखिए इसमें अगले नंबर इसको बोलते हैं एंगुलर पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं, तो मेन आपके जो यहाँ पे होते हैं पैरामीटर जो पढ़ाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जो कि आपको पीछे भी नाम सुनाया गया था कि हाँ भाई क्या होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा है काइनेमेटिक्स इन 1D में पढ़ा, आपको पढ़ाया था मैंने, वहां मैंने पढ़ाए थे आपको हेडिंग काइनेमेटिक पैरामीटर्स, याद है आपको? ये बात नहीं याद है, मैंने आप हेडिंग सबको लिखवाई थी काइनेमेटिक पैरामीटर्स। सबसे पहले मैंने लिखवाया था रेफरेंस, फिर लिखा था मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब लिखवाया था मैंने। Is it clear? सबको याद है सब नाम? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो अब उसी को हमको पढ़ना है घूमने के बारे में। वहां देखिए, वहां पे जो भी कुछ हो रहा था काइनेमेटिक्स इन 1D में, सब कुछ हो रहा था लीनियर। आप चले थे स्ट्रेट लाइन में, हम यहाँ से वहां तक गए, वहां से वहां तक गए, वहां से वहां चले गए, ऐसे चलते चले गए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं यू आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो हम जितना जाएंगे घूमेंगे सब हम सब हमारा डिस्टेंस होगा और हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। हो उसका नाम एक्चुअली क्या होता है? उसका नाम होता है पूरा नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां मैं क्या पढ़ाने आ रहा हूँ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक नाम ये भी होता है एंगुलर पोजिशन भी नाम होता है, वहां पर नाम पढ़ाया गया था सिंपल पोजिशन होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोजिशन बोल देते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपने बोला है पोजिशन और कुछ नहीं बोलना है तो मैं समझूंगा कि आप काइनेमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। अगर आपने बोला है डिस्प्लेसमेंट तो मैं समझूंगा कि आप काइनेमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। अगर बोलेंगे एक्सेलरेशन मैं समझूंगा कि आप काइनेमेटिक्स की बातें कर रहे हैं। अगर बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब मैं समझूंगा कि नहीं भाई तुम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, ठीक है। आप बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, आप बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं समझूंगा कि आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का पूरा नाम होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, को कोई बोलता नहीं, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं होती वहां पे, बाय डिफॉल्ट समझ में आता है। यहाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो हमको बताना पड़ता है कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर के एंगुलर। तो इस चैप्टर में हम नाम पूरा पूरा लेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर? ये सब नाम पूरा पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे भाई नाम पूरा लेना पड़ेगा, वो इसलिए क्या ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो पाए कि आप किस बात कर रहे हैं। अब आता है आगे क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे पीछे पढ़ाया गया था आपको काइनेमेटिक पैरामीटर्स, बिल्कुल सेम मैं यहाँ पढ़ाऊंगा एंगुलर पैरामीटर्स, ठीक है। एंगुलर पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? आपको आपने सुने पांच होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे पांच नहीं पढ़ने होते, हमको यहाँ पे तीन पढ़ने होते, क्योंकि बाकी के जो दो हैं जो बच्चे हैं इसके, वो हम पढ़ेंगे इसके अगले चैप्टर, ठीक। अगले चैप्टर जो उसका बाद पढ़ाया जाता है, जिसमें जल्दी हम उसमें पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका नाम होता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक नाम होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या होता है कि यू आर मूविंग इन अ सर्कल, आपको समझ में आ रहा हो ये भाई बात हो रही है। लेकिन जब आप बोलेंगे रोटेशनल मोशन, इसका मीनिंग क्या होता है? जो बॉडी घूम रही है वो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक वॉल्यूम ऑब्जेक्ट, ठीक। वो क्या है? वॉल्यूम ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें मान लें कि अर्थ बहुत बड़ी है साइज में, तो अर्थ अपनी एक्सिस के बाहर घूम रही है, सभी याद कि 24 घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे में एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो 24 घंटे में अर्थ अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। लेकिन उसी 365 दिन मतलब कि एक साल में वही अर्थ सन के राउंड घूम जाती, अब पूरा चक्कर लगा लेती, ठीक है। आप बोलते हैं भाई एक साल खत्म हो गया, नया साल आ गया, ऐसा बोल देते हैं। तो वो उस समय जो जो सर्कल, ये जो क्या कहते हैं अर्थ है, सन के अराउंड घूमने का जो पाथ है, ठीक है, अगर मान लेते हैं सब कुछ बराबर है तो यू कैन से इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। इवन सर्कुलर होता नहीं वो, लेकिन लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। अब वो इसलिए क्योंकि अपने हमें अपने फॉर्मूले को प्रूव करने होते हैं।
Sir, can you please tell the full forms of the HCM, VCM and ICM again? हाँ तो इनके नाम पता है ना आपको, क्या क्या नाम है इनके, फुल फॉर्म क्या है, क्या नाम है एचसीएम का फुल फॉर्म क्या है बताओ? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हाँ क्या नाम है वी का, वीसीएम का? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और क्या नाम है आईसीएम का? इंक्लाइंड। आपको ये नहीं पढ़ना है, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? अब इसके आगे लिखिए, आगे जो पढ़ा रहा हूं इसमें देखिए, एंगुलर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स, ठीक है, क्या क्या होता है तुम्हें ये सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट नाम उसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन, ठीक। इसको देखिए, इसके लिए जरूरी होता है रेफरेंस पॉइंट आपका एंगुलर पोजीशन एंड प्लेसमेंट, ठीक है? इसमें देखिए, यहाँ दिखाते हैं इसको इस तरीके, ठीक है? यहाँ देखो, ये इसी तरीके की लाइन, इस तरीके से ये बोला गया है कि अब यहाँ पे इसको बोला गया, इसको सपोज है ओ, क्या बोला गया ओ, ठीक है? इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पहुंच गए, ये ए बोला गया, ये बोला गया बी, तो ये कितना है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है? अब जो ए होगा ये कितना एंगल होगा, ये थीटा ए होगा, ये कितना एंगल होगा, थीटा बी आएगा, ठीक, इतना जगह से, ठीक। इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ और इसको मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ, इसका सेंटर आएगा, ठीक है? आपको दिख रहा है ये? तो अगर मैं ए से बी के पास गया, ए से कहाँ गया, बी के पास, तो बताइए कितना घूमा मैं, कितना घूमा, थीटा बी माइनस थीटा भी थीटा, ये तो घूमा मैं। आज जब निकालते हैं इसमें, आज जब निकालते हैं ना, पीछे आपको याद होगा आपने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बोला गया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही पढ़ाया गया था। तो अगर आप ए से बी के पास घूम के पहुंचे तो बी को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, फाइनल एंगुलर पोजीशन, ए को बोलेंगे इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ठीक है? इतना डिफरेंस में थीटा ए को बोलेंगे एंगुलर, थीटा ए एंड थीटा आर कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है? और थीटा ए बी, डेल्टा थीटा, मतलब थीटा बी माइनस थीटा एक्स,
This is called final angular position minus initial angular position. आपको समझ आएंगे? ठीक है जाओ. Is it clear to all of you? इसको आवाज भी सुनी चाहिए. When an object moves in a circular path, then the angle turned by the object from position to another position is defined as its angular displacement. ठीक है सर, यहां देखिए इसे बोला गया ना आपको, यहां पर यहाँ से यहाँ पहुंच गए ऐसा बोला कि ठीक है. आपने इसमें क्या लिखा है? ये इसका ओ पॉइंट है. मैं ए से कहाँ पहुंच गया? बी के पास में. ठीक है, कितना एंगल होगा? डेल्टा थीटा, जो कि दिखना था क्या? ठीक है, डेल्टा थीटा देखिए एंगल कोण क्या होता है? होता है आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, यू कैन से इसके बारे में यूनिट ऑफ थीटा. देखिए इसकी थी रेट डिग्री और डिग्री एंड रेडियन. ठीक है, दोनों आप केस का. ठीक है, and you know 180 degree now pi radian. So 1 degree equal to pi upon 180 radian. ye aapko aise padhayega. theek hai, kitna hota hai yahan se question sab chal. okay, isme bhi dhyan rakhiyega. isme
square may be plus 5. Again. When? An object. Completes n cycles, then theta barabar 2 pi n. Keep 2 pi n. Okay, you can say n. Maybe integer. Fraction. Or. Decimal. कुछ भी सकता है इसमें. Half round होगा. Half round क्या बोला? आधे ही चक्कर लगाया आपने. हम बोलेंगे 2π into क्या? Half बोल देना. आपने कहा नहीं यार हमने तो चार चक्कर लगा लिए तो 2π into 4 बोल देना. आपने कहा नहीं यार हमने तो 5 चक्कर लगा लिए तो 2π into 5 बोल. सर रेडियन क्या है? सर रेडियन क्या है? रेडियन थीटा की यूनिट होती है. डिग्री और रेडियन नहीं आता क्या? पाई रेडियन 2π 360 इक्वल 2π. ये पता है कितना पेरीमीटर? कितना होता पेरीमीटर सर्कल का? पेरीमीटर कितना होता पेरीमीटर? 2π आर. 2π आर कहां से आया? हम कहेंगे भाई देखिए जो सर्कल पढ़ाएंगे ऐसे आएंगे. हमने ये एंगल रख, ये क्या है थीटा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी. थीटा इक्वल क्या होगा? AB अपॉन रेडियस. AB क्या होगा? थीटा होगा. थीटा अब देखिए A से B तक आप गए ना, मतलब B पॉइंट यहां पे ना होकर के यहां पहुंच जाए फिर तो बड़ा हो गया एंगल भी बड़ा हो गया. बड़ा हो गया बी पॉइंट यहाँ पहुंच नहीं है, यही पहुंच जाए. अब अगर यही पहुंच गया अब तो पूरा एंगल हो गया ना, पूरा हो गया. तो पूरा थीटा क्या होता? थीटा होता पूरा 2π. आर बराबर क्या होगा? पेरिमीटर. 2π क्या होगा? पूरा. इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? 360 बोल देते हैं. पाई कितना होगा? 180 आएगा. डिग्री इसको बोलेंगे पाई. क्या बोलेंगे? बोलेंगे रेडियन. बोलेंगे ये ऊपर सी लिखा होता है. सी का मतलब होता है कर्व, मतलब इसका रेडियन का सिंबल होता है. सी लिखा वही मैंने यहाँ लिखा. कि एक और होता है इसके यूनिट, इसको बोलते हैं ग्रेड, बोलते हैं GRAD. लेकिन हम लोग उसका यूज कभी नहीं करते ना, कभी उसको कहीं पढ़ाते बताते वो कभी आने वाले. तो इसके दो होते हैं यूनिट. एक आपको पढ़ना है डिग्री, पढ़ना आपको रेडियन, बस और कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है. हाँ डिग्री देगा रेडियन पूछ लेगा, रेडियन देगा डिग्री पूछ लेगा, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? Excuse me, sir. अब इसके आगे अगला नंबर जो इसका आएगा, ये कैसी क्वांटिटी है? मतलब ये स्केलर है कि वेक्टर है, ऐसा पूछा जाता है इसमें. अभी तो आपको भाई वेक्टर वेक्टर से पढ़ाया जा रहा है इसमें. ठीक, इसमें होता है. लेकिन आपको याद होगा जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में, तो मैंने कुछ आपको उसमें शर्तें लिखवाई थी कि भाई वेक्टर तभी होगा जब वो कुछ चार पांच बातों को मानेगा. आपको याद है जब वेक्टर स्टार्ट किया गया था? बिल्कुल स्टार्ट किया था मैंने कि हाँ भाई ये वेक्टर मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैंने बातें लिखवाई हैं कि अ वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी is defined as vector if it has following properties.
कौन सी 1, 2, 3, 4, 5 मैं लिखवाई थी, कुछ याद है आप लोग को? ऐसा कुछ लिखवाया था या आपको कुछ याद है क्या लिखवाया था, बताइए। यस सर। क्या क्या था उसमें, पॉइंट्स क्या कहते हैं, बोलो। पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने कि इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड, दूसरा था इट शुड हैव अ डायरेक्शन, तीसरा था इट शुड फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, चौथा था इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, और पांचवा था इट शुड फॉलो लॉ ऑफ एसोसिएट। ये मैंने कहा, ठीक है। तो जो इन पांच बातों को मानेगा वो वेक्टर, और जो नहीं मानेगा वो वेक्टर नहीं, ठीक है, वो वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या वेक्टर नहीं है ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि एंगुलर वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है या वेक्टर नहीं है, ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी, वैल्यू मतलब वैल्यू बोले तो क्या, तो इसका मीनिंग होता है कि आप जब टर्निंग दिखा रहे हैं हमको कि हम ए से बी के पास गए, डायग्राम में दिख रहा होगा, हम यहाँ से बोले ए से बी के पास गए, तो ये आपका आ गया डेल्टा थीटा आ गया, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, लेकिन ये कितना वैल्यू है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है कि 100 डिग्री है, या 5 डिग्री है या 1 डिग्री है, तो उसका आंसर आता है कि भाई ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, ठीक है। तो उस भाव पे इसके दो हिस्से हो जाते कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तब क्या, और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा है तब, ठीक। तो आंसर इसका आप सुन लीजिए ध्यान से, मैं भी लिखवा देता हूं कि इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज a small quantity, is a small, I suppose is a small, then it is a vector, it is a vector, and if it is a large, jaise bada hota hai, suppose 90 degree, theek hai, 80 degree se bol diya maine, 180 degree bol diya gaya is tarike se, then it is not a vector quantity, theek hai, to aapka na vector nahi hai to kya hai, scalar hoga, aapke exam mein question aayega, wo kahega ki bhai ye bata dijiye कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, ऑप्शन होगा स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, या स्केलर एंड वेक्टर दोनों है, आप उस चौथे को टिक करेंगे कि भाई ये स्केलर भी होती है वेक्टर, स्केलर भी होती है वेक्टर भी होती है, ऐसे कुछ क्वांटिटी आपको और भी मिलेंगे आगे फिजिक्स में जो वेक्टर भी होती है स्केलर भी होती है, वो डिपेंड करता है कि उनका आप कितना कंटेंट ले रहे हैं, थोड़ा ले रहे हैं कि ज़्यादा ले रहे होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई ये वेक्टर बोले या स्केलर। फिलहाल यहाँ मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है तो वो वेक्टर होता है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है वो वेक्टर नहीं होता, क्लियर। तो क्या होता है स्केलर,
देखिए यहाँ पे जब मैं लिखा हुआ है डी थीटा, ठीक है, डी थीटा आपके सामने, इसका मतलब होता है वो छोटी वैल्यू है। तो आपको जब पहले पढ़ाया था लॉग कम्यूटेटिव, वहां पे देख पीछे देखिएगा फिर वहां लिखा था कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस, मतलब कि ए पहले आए बी बाद में आए, बाद में दिया बी पहले आए बाद में आए, ठीक है, इस तरीके से अगर, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ लिखा होता है अगर छोटी वैल्यू होती है तो ये पहले एंगल आ गया ये बाद में आ गया, या ये पहले आ गया ये बाद में आ गया, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उसी जगह पे बड़ी वैल्यू होती, बड़ी वैल्यू पहले आई ये बाद में आई, ठीक ये पहले आ गई बाद में आ गई, तो आपको फर्क पड़ता है। इसका मतलब होता है, अभी आपको मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे आपको बोला गया 90 प्लस 80 इक्वल टू 80 प्लस 90, आपको ये तो हो भाई, ऐसा तो बस सही है, इसमें तो क्या गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वेक्टर लैंग्वेज में गलत, ठीक, क्योंकि वेक्टर लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आज उसको प्रैक्टिकली करने की बात जाएंगे तो आपको समझेगा अरे अरे सही बात बोल रहा हूँ, 90 प्लस 80 में 80 क्यों बोल रहा, मुझे तो 90 प्लस 90 बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तो ये आपका गलत आ जाएगा। 90 प्लस 80 इज नॉट इक्वल टू 80 प्लस 9, इस तरीके से। अब वो कैसा हो आपको भी आगे आ जाएगा। फिलहाल आप याद है इसके पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड जो मैंने इसमें लिखवा दिए यहाँ तक का, कि अब बस ये मोटी सी बात याद कर लीजिए कि अगर एंगुलर डिस्टेंस का छोटा है तो वेक्टर है, बड़ा है तो वेक्टर नहीं, मतलब कि स्केलर होगा, ठीक। यहाँ मैंने ये नहीं लिखा हुआ ये स्केलर है, यहाँ में लिखा है इट इज नॉट वेक्टर, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि वो एक स्केलर ही होगा, ठीक। हम लोग अपने यहाँ से भी लिख नहीं सकते कि हाँ स्केलर, बस ये लिखेंगे भाई ये वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं तो क्या वजह स्केलर पूछेगा इसमें, याद लिखिए। सबको समझ में आ गया, पूरा लिख लिया, अभी से बहुत से पॉइंट है, अभी इसमें अभी तो आपका ये बहुत से पॉइंट